गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज है दूसरा दिन छठ पूजा का और सुबह का अर्घ देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। शाम का जो अर्घ का वीडियो था आपने बहुत ही पसंद किया, तो उसके लिए धन्यवाद। और अब चलते हैं सुबह का अर्घ देखने के लिए। और यहाँ से अब ये पर्व जो हिंदू का पर्व है, ये लास्ट पर्व है। समाधियों के साथ गाय की दूध की व्यवस्था करवाई गई है। जिन प्रतियोगियों को इसकी जरूरत पड़े हमारे पूजा कैंप से अवश्य प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी भी हल्का हल्का अंधेरा है और ये लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और जैसा कि जानते हैं नवंबर के टाइम में छठ पूजा ख़त्म होते होते बिहार और बंगाल में ठंड गिरने लगती है, तो हल्की हल्की ठंड यहाँ भी अभी गिर गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गंगा घाट पे कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। सरकार तो फ्रेंड्स शाम से ज़्यादा अभी सुबह के टाइम में ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और लोग अपना नंबर लगाए हुए 6 बजे सभी अर्घ डालेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड सुबह हो गई है, अब सूरज कुछ ही टाइम में उगने वाला है, तो अब अर्घ देने का भी समय हो गया है। सभी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी, शरबत से लेके चाय तक और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह भी यहाँ पे बांटा गया है संस्थान की तरफ से। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे व्यवस्था देख करके। तो फ्रेंड्स सुबह का अर्घ देखने के बाद
फिर हम यहाँ से निकल गए आगे के लिए और आगे दिखाते हैं क्या क्या और व्यवस्था की गई है संस्थान की तरफ से। सभी से अनुरोध है, सभी माताओं से प्रार्थना है कि वह इस कैंप में थोड़ा प्रसाद और अपना आशीर्वाद देते जाएं। फ्रेंड, अभी हम घर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ भी काफी अच्छा इंतजाम किया गया है, आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। बाकी जो सुबह का अर्घ आपने लाइव में हम आए हुए थे, तो लाइव पे जा करके आप हमारा सुबह का अर्घ देख सकते हैं।